الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين कलमाए इस्लाम मजहबे इस्लाम की पासदारी और अलामत है। कि मुसलमान इंसान इस्लाम के कानून के मुताबिक वो होता है जो कलमा इस्लाम पढ़ के दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाए। कोई बंदा ये सवाल करे कि जो तुम कलमा इस्लाम पढ़ते हो, इस कलमे का सबूत कहां से मिलता है, तो उसका जवाब यह है कि कलमा इस्लाम जो पहला कलमा तैयब जिसका नाम है, अल्लाह ने इस कलमा को मजहब इस्लाम की बुनियाद इसलिए रखी है कि इसका तज़करा और इसका जिक्र अल्लाह पाक ने खुद कुरान मुकद्दस के अंदर किया है। और इसका सबूत कुरान पाक से मिलता है। अल्लाह करीम ने अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सूरतुल सूरह मुहम्मद की आयत है। मेरे महबूब इमामुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा इस्लाम ऐसा कलमा है कि फालम इस कलमे पर आपने यकीन रख के इसको पढ़ना है। और इसी सूरत के अंदर अल्लाह ने यही वजाहत फरमाई कि कलमा इस्लाम की ऐसी इज्जत और ऐसी अजमत है कि अल्लाह ने मुहम्मद मुस्तफा को फरमा दिया है कि आप इसी ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन करके इसी को अपनी जुबान पर पढ़ते रहें। तो सूरह मुहम्मद के अंदर है ला इलाहा इल्लल्लाह, और इससे आगे वाली सूरत है उसका नाम है सूरतुल फतह।
उस सूरत के अंदर आखिरी रकू में आता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कलमे का सबूत कहां से मिला? कुरान पाक से। ला इलाहा इल्लल्लाह भी मिल गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी मिल गया। तो मजहब इस्लाम की बुनियाद अल्लाह ने जिस कलमे पर रखी है उसका सबूत भी अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर रखा है। इसलिए अल्लाह करीम ने आयतुल कुर्सी में इसी मजहब इस्लाम की जो पहला कलमा तैयब तर्जमानी करता है, अलामत है, निशानी है मुसलमान होने की, इसी कलमा तैयबा और इसी कलमे के अल्फाज का अल्लाह ने आयतुल कुर्सी में दावा फरमाया है। और दावा बगैर दलाइल के कभी मोतबर नहीं होता। जब कोई दावा किया जाता है जब उस पर दलाइल ना हो तो वो दावा कभी मोतबर नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह ने फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला, तो कलमे का पहला हिस्सा भी क्या है? ला इलाहा इल्ला। तो आयतुल कुर्सी के जो ये पहले अल्फाज हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, ये कलमा इस्लाम की तर्जमानी कर रहे हैं अल्फाज, और यही दावा है अल्लाह ताला का। क्या दावा है? मेरे अलावा कोई तुम्हारा माबूद नहीं है। ये अल्लाह ने दावा फरमाया। अपने उस दावा को साबित फरमाने के लिए, दावे के इस बात के लिए अल्लाह ने आगे दलाइल जिक्र फरमाए, और एक एक दलील वो पूरे के पूरे कुरान पाक का खुलासा बयान करती है। आयतुल कुर्सी में अल्लाह के दावे की एक एक दलील जो आगे अल्लाह ने बयान फरमाई वो पूरे के पूरे कुरान का खुलासा बयान करती है। फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, ये अल्लाह ने दावा फरमाया है कि मेरे अलावा कोई तुम्हारा माबूद इलाह नहीं है, ना कोई आसमानों में इलाह है, ना कोई जमीन में इलाह है, ना कोई फर्शी इलाह बन सकता है, ना कोई अर्शी इलाह और माबूद बन सकता है, ना कोई नबी माबूद बन सकता है, ना कोई वली माबूद बन सकता है, ना कोई जिन माबूद बन सकता है, ना कोई फरिश्ता इलाह और माबूद बन सकता है, ना कोई छोटा और बड़ा माबूद बन सकता है, ना कोई जिंदा इलाह और माबूद बन सकता है, ना कोई मुर्दा इलाह और माबूद बन सकता है, ना सूरज माबूद है, ना चांद इलाह और माबूद है, ना सितारे इलाह और माबूद है, ना मियां दरख्त और पत्थर इलाह और माबूद है, ना लात मनात मनाफ उज्जा होबल ये इलाह और माबूद है, कोई इलाह और माबूद नहीं। कौन है? अल्लाह करीम ने फरमाया ला इलाहा इल्लाहू, मैं चूंकि इलाह और माबूद हूं, मैं चूंकि तुम्हारी शोर पुकार के लायक हूं, मैं चूंकि तुम्हारी इबादतों के लायक हूं, इसलिए अल्लाह करीम ने ये पहला दावा फरमाया है। उस दावे पर आगे अल्लाह ने दलाइल जिक्र फरमा दिए। पहली दलील जिक्र फरमाई अल हय्युल कय्यूम,
हुम। अल्लाह इसलिए इलाह और माबूद है कि वो हमेशा जिंदा रहने वाला है, उस पर मौत नहीं आती, वो हमेशा जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। इसलिए जब उसकी जात में मौत नहीं, ऐसा जिंदा रहने वाला है कि अल कय्यूम, जो सारी कायनात को थामने वाला है, जो सारी कायनात की निगरानी करने वाला है। अल्लाह फरमाते मैं इसलिए माबूद हूं, इसलिए मैं तुम्हारा इलाह हूं, चूंकि मेरे ऊपर मौत नहीं आती, मेरे अलावा जिनको तुम पूजते हो, जिनको तुम माबूद समझते हो, जिनको तुम हाजत रवा मुश्किल कुशा नफे और नुकसान का मालिक समझते हो, वो कभी हमेशा जिंदा रहने वाले नहीं है, उन पर भी मौत आ जाएगी। लिहाजा जिस पर मौत आ जाए वो किसी का माबूद बन सकता नहीं है, वो किसी का इलाह बन सकता नहीं है। इसलिए इलाह भी मैं हूं, माबूद भी मैं हूं, क्योंकि मेरी जात में मौत नहीं, मैं मौत से पाक हूं। कुल्लु मन अलैहा फानिल वयबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, हमेशा बका मेरी जात के अंदर है। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा लहुल हुक्म व इलैहि तुरजऊन। अल्लाह फरमाते हर चीज हलाक हो जाएगी, बका है तो सिर्फ अल्लाह की जात के अंदर है। लिहाजा अल्लाह ने अपने दावा को साबित फरमाने के लिए पहली दलील साबित फरमाई है, बयान फरमाई है कि चूंकि मैं हमेशा जिंदा रहने वाला हूं, हमेशा ऐसा जिंदा रहने वाला हूं कि मैं खुद भी जिंदा होता हूं और सारी कायनात का अल कय्यूम रखवाला भी हूं, थामने वाला भी हूं, ख्याल करने वाला भी हूं। अल्लाह ने दूसरी दलील बयान फरमाई अपने दावा को साबित फरमाने के लिए। अल्लाह फरमाते हैं ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, मैं इसलिए इलाह हूं, मैं इसलिए माबूद हूं कि मेरे अंदर कमजोरियां नहीं है, मैं ऊंघ से भी पाक हूं, नींद से भी पाक हूं। ऊंघ इब्तदाई जो नींद आती है उसको ऊंघ कहते हैं, जब पक्की नींद आ जाए तो उसको अरबी के अंदर नौम कहा जाता है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे ऊपर नींद के झटके भी नहीं लगते, थकावटें नहीं आती। मा मसना मिलो, मेरे अंदर थकावट नहीं है, मेरे अंदर कमजोरी नहीं है, मैं ऊंघ से भी पाक हूं, नींद से भी पाक हूं। इसलिए मैं तुम्हारा माबूद हूं, मैं तुम्हारा इलाह हूं, क्योंकि मेरे अंदर नींद नहीं है, मैं नींद से पाक हूं, कमजोरियों से पाक हूं, क्योंकि नींद का आ जाना यह भी एक कमजोरी है, झटकों का लगना नींद का यह भी एक ज़ौफ की अलामत है, ये भी एक कमजोरी है। अल्लाह फरमाते हैं मैं ऊंघ से भी पाक हूं, नींद से भी पाक हूं, इसलिए माबूद हूं। बाकी मेरे अलावा जिन जिन नबियों को, जिन जिन वलियों को, जिन जिन पीरों को, जिन जिन फकीरों को, जिन जिन को तुम खुदा समझते हो, मैं अल्लाह कहता हूं उनको नींद भी आती है, उनको ऊंघ भी आती है, उनको थकावटें भी लायक होती है। लिहाजा साबित हो गया जिन पर नींद भी आ जाए, ऊंघ भी आ जाए, थकावटों का गलबा हो जाए, वो दुनिया के माबूद और इलाह बन सकते कोई नहीं है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया ये दूसरी दलील है, दावा को साबित
ثابت فرمانے کے لیے، کیونکہ دعویٰ برائے دلائل کے ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنا دعویٰ لا الہ الا اللہ والا ثابت فرمایا ہے کو دلائل کے ذریعے۔ لہذا پہلی دلیل کا خلاصہ یہ ہوا، ہمیشہ زندہ رہنے والا کون ہے، نیند اور اونگ سے پاک کون ہے۔ دلیل نمبر تین، اللہ فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تیسری دلیل دعویٰ کو ثابت فرمانے کے لیے اللہ کریم نے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے، ان سب کا مالک کون ہے؟ اللہ فرماتے لہو علام للتملیک، میں ساری چیزوں کا مالک، میں اللہ پاک ہوں۔ آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، فرشتے ہیں یا اور جو کچھ بھی موجود ہے، ان سب کا میں اللہ مالک ہوں، سارے میرے مملوک ہیں، سارے میرے غلام ہیں۔ زمین کے اندر نبی ہیں، ولی ہیں، پیر ہیں، فقیر ہیں، جن ہیں یا اور جتنی مخلوقات ہیں، یہ دنیا زمین کے اندر دنیا والے مالک نہیں ہے، مالک کون ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کا مالک چونکہ میں اللہ پاک ہوں، اس لیے ثابت ہو گیا کہ معبود اور الہ بھی میں ہوں، چونکہ مالک بھی میں ہوں، مختار بھی میں ہوں، قادر بھی میں ہوں، قدیر بھی میں اللہ پاک ہوں، اس لیے میرا دعویٰ ثابت ہو گیا کہ میرے علاوہ نہ کوئی تمہارا معبود ہے اور میرے علاوہ نہ کوئی تمہارا الہ ہے۔ دلیل نمبر چار، اللہ کریم نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ فرماتے ہیں دلیل نمبر چار بیان فرمائی، اللہ فرماتے ہیں میری اجازت کے بغیر اللہ کے سامنے کسی کے اندر سفارش کرنے کی طاقت کوئی نہیں، کسی کے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اللہ کے سامنے وہ بول سکتا ہے جس کو رحمان خود اجازت دیں گے۔ اللہ فرماتے من ذا الذی، کون ہے جو میرے سامنے بولنے کی طاقت رکھتا ہو؟ معلوم ہوتا ہے کوئی نہیں ہے، اللہ کے سامنے بولنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے، مگر اللہ فرماتے الا باذنی، بولنے والا وہ ہوگا جس کو اللہ آپ اذن اور اجازت فرما دیں گے۔ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں دن قیامت کے بھی میں پیغمبر شفاعت کروں گا اپنے امتیوں کی، مگر میں اپنی مرضی سے نہیں کروں گا، قال صوابا، جیسے جیسے مجھے اللہ حکم دیں گے ویسے ویسے میں سفارش کرتا رہوں گا، میں اپنی مرضی سے شفاعت کرنے والا نہیں ہوں کہ اپنی مرضی سے جس کو چاہوں جنت میں لے جاؤں، یوں ممکن نہیں ہے، بلکہ جیسے اللہ آرڈر فرمائیں گے، جیسے اللہ حکم فرمائیں گے، میں پیغمبر تو اللہ کا مامور ہوں، اللہ کے حکم کا پابند ہوں، جیسے اللہ حکم فرماتے جائیں گے میں ویسے ویسے سفارش کرتا جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا میرے سامنے بولنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں، سفارش کرنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں، لہذا جن کو تم خدا سمجھتے ہو، معبود سمجھتے ہو، معبود الہ سمجھتے ہو، نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہو، جن کو تم مولا آقا دولہ سمجھتے ہو، جن کو تم داتا اور غریب نواز سمجھتے ہو، میں اللہ کہہ رہا ہوں ان کے اندر تو میرے سامنے بولنے کی طاقت کوئی نہیں ہے، لہذا جب میرے سامنے کوئی نہیں بول سکتا تو ثابت ہو گیا کہ
कहोगे मैं अल्लाह ही तुम्हारा इलाह और माबूद हूं, मेरे अलावा कोई इलाह और इबादत के लायक कोई नहीं है। लिहाजा आखिरी दो दलीलों का खुलासा ये हुआ, अल्लाह फरमाते हैं हमेशा जिंदा रहने वाला भी मैं अल्लाह हूं, और मैं अल्लाह नींद और ऊंघ से भी पाक हूं, जमीन और आसमान का मालिक और खालिक और मुख्तार भी मैं अल्लाह हूं। नंबर चार, मेरे सामने किसी के अंदर बोलने की ताकत और हिम्मत कोई नहीं। नंबर पांच, यालमु मा बैन अईदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। फिर पांचवी दलील, वो ऐसी अल्लाह ने बयान फरमाई कि दलील के दो पहलू बयान फरमाए, एक नफी वाला और एक इस बात वाला। अल्लाह फरमाते हैं यालमु मा बैना अईदीहिम व मा खल्फहुम, ये इस बात वाला पहलू है अल्लाह की जात के लिए, जमीन और आसमान के अंदर या जितनी मखलूक मौजूद है, इससे पहले आदम अलैहिस्सलाम के दौर तक जितने हालात हैं, या उससे पहले के हालात हैं, या कियामत तक आने वाले अहवाल हैं, अल्लाह फरमाते हैं सबका इल्म रखने वाला कौन है। ऐसे समझे, माजी का इल्म रखने वाला कौन है, हाल का इल्म रखने वाला कौन है, इस्तकबाल का इल्म रखने वाला कौन है। ऐसे समझे, मा कान व मा यकूनु का इल्म रखने वाला कौन है। बोलो, अल्लाह फरमाते हैं यालमु मा बैन अईदीहिम व मा खल्फहुम, ये मा कान व मा यकूनु है, ये मा कान व मा यकूनु का इल्म सिर्फ है तो सिर्फ अल्लाह की जात के अंदर है। नबी वलियों के लिए मा कान व मा यकूनु का इल्म नहीं है, ये इस बाती पहलू है। फिर इसी पांचवी दलील का नफी पहलू अल्लाह ने बयान फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। अल्लाह करीम फरमाते हैं मेरा इल्म इतनी वसी है कि मेरे इल्म का कोई इहाता कर सकता नहीं। ला युहीतून बिशैइन, मैं जर्रा जर्रा इल्म कायनात का इल्म रखने वाला हूं, मेरे अलावा नबी है, वली है, आलिम है, मुबल्लिग है, मुफस्सिर है, मुहद्दिस है, खतीब है, बहुत बड़े लियाडर है, जितना इल्म रखने वाले हैं, मेरे इल्म के अंदर भी शैइन बेशैइन एक कख का भी मुकाबला और जर्रे का भी नहीं कर सकते। ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, अल्लाह के इल्म का कोई इहाता नहीं है, आलिम का इल्म भी इंतहा तक है, महदूद है, नबी का इल्म भी महदूद है, मगर अल्लाह के इल्म की कोई हद और इंतहा नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं जब जर्रा जर्रा कायनात का इल्म भी मैं अल्लाह रखता हूं, जब सारी चीजों का मुकम्मल इल्म कुल्ली इल्म मैं अल्लाह के पास है, तो साबित हो गया कि इलाह और माबूद भी मैं अल्लाह पाक हूं। वसिया कुर्सियों हुस्समावात वल अर्व, मैं रब की कुदरत भी वसी है, इल्म भी वसी है, कुर्सी से मुराद इल्म और कुदरत है। अब्दुल्लाह इब्नु अब्बास ने यही तफसीर फरमाई है, वसीआ कुर्सियों समावात वल अर्ज, जमीन और आसमान के अंदर उसकी बादशाहत की कुर्सी चलती है और किसी की कुर्सी नहीं है, और जमीन और आसमान के अंदर इल्म भी अल्लाह का चलता है, कुदरत भी अल्लाह की चलती है, और शाहजोरियां भी अल्लाह की चलती हैं। लिहाजा जब जमीन और आसमान के अंदर बादशाहत की कुर्सी भी मैं अल्लाह की है,
राज अल्लाह पाक का है तो साबित हो गया कि इलाह भी मैं हूं, इबादत के लायक भी मैं अल्लाह पाक हूं। अल्लाह फरमाते हैं, फिर अल्लाह ने फरमाया ला यऊदू हिफ्ज़ुहुमा, ये दलील नंबर 7 हो गई। अल्लाह फरमाते मेरा पैगंबर इन अपने उम्मतियों को कुरान पढ़ के सुना, जमीन और आसमान के अंदर तखलीक करने वाला भी अल्लाह, इनको पैदा करने वाला भी अल्लाह, फिर इनके अंदर जमीन और आसमान के अंदर अपनी मखलूक पैदा करके आबाद करने वाला भी अल्लाह पाक है। अब सुन लो, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, मैं अल्लाह करीम फरमा रहा हूं, मैं अल्लाह सबकी हिफाजतें करता हूं, क्योंकि मैं अल्लाह मुहाफिज हूं, मैं अल्लाह जो हाफिज हूं मुहाफिज हूं, इसलिए मैं इन सब की जमीन और आसमान के ऊपर पहरा, मैं अल्लाह के इल्म का है, जमीन और आसमान के अंदर कुदरत और ताकत का पहरा भी मैं अल्लाह पाक का है। जब मैं इन सब की हिफाजतें करता हूं तो मुझे कभी थकन महसूस नहीं होती, मैं थकता नहीं हूं। ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, मैं थकता नहीं हूं। जब मैं थकावट से पाक हूं, तुम्हारी हिफाजतें भी करता हूं, फिर भी थकावट नहीं है। जब थकावटें और कमजोरियों से पाक हूं, तो लिहाजा इबादत और इलाह बनने के लायक भी मैं अल्लाह पाक हूं। मेरा दावा साबित हो गया, माबूद भी मैं अल्लाह हूं, मसजूद भी मैं अल्लाह हूं, मालिक भी मैं अल्लाह पाक हूं, खालिक और कादर भी मैं अल्लाह पाक हूं। 8वीं दलील दावा को साबित फरमाने के लिए अल्लाह करीम ने फरमाया, वहुवल अलियुल अज़ीम, अल्लाह पाक की जात आलीशान भी है और अजीम भी जात है। वहुवल अलियुल, पढ़ो एक बार, वहुवल अलियुल अज़ीम, वही जात अल अली बहुत बड़ी आलीशान है, बहुत बड़ी, सुबहानहु व तआला बहुत बुलंद है, बहुत ऊंची जात है। अल अजीम, इतनी अजीम जात है कि कोई नबी भी उसके मर्तबे तक पहुंच सकता नहीं है। वहुवल अलीयुल अजीम, अल्लाह ने फरमाया जब आलीशान मैं अल्लाह हूं, अल अजीम भी मैं अल्लाह हूं, तो लिहाजा मेरा दावा साबित हो गया कि इलाह भी मैं अल्लाह हूं और तुम्हारा माबूद भी मैं अल्लाह पाक हूं। तो दावा को साबित फरमाने के लिए अल्लाह ने 8 दलाइल जिक्र फरमाए आयतुल कुर्सी के अंदर। एक यहां पर दिलचस्प बात मुझे याद आ गई, मैं आपको सुना के बात खत्म करता हूं, टाइम मुकम्मल हो गया है। वहुवल अलीयुल अज़ीम, दो थे अनपढ़ बंदे, जिनको कहा जाता ना जट बंदे होते हैं। एक ने, चूंकि था वो राफजी किस्म का बंदा, उसने कहा जनाब चूंकि हम हजरत अली को मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझते हैं, इसलिए तुम्हारे कुरान के अंदर हमारे अली का अजीम होना लिखा हुआ है। अगला बंदा जट था बेचारा, वो अनपढ़ था, वो भी मुतासर हो गया। उसने कहा यार बड़ी बात है, हमारे कुरान पाक के अंदर। उसने कहा पढ़ के दिखा। अब जो हजरत अली को खुदा और मुश्किल कुशा समझने वाला था, उसने फट पढ़ा वहुवल वहुवल अलीयुल अजीम। देखो जी, तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ है अली अजीम जात है। उसने कहा ठीक है। उसने कहा अब मेरी दलील भी सुन, अगर तेरा अली अगर अजीम जात बन सकता है तो मेरा सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी नबी बन सकता है। फिर कैसे? उसने कहा मैं आयत पढ़ता हूं, सूरह मरियम के अंदर आता है, इन्नहु कान सिद्दीकन नबिया, फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अनु नबी थे। जब उसने ये आयत पढ़ी तो दलील देने वाले का मुंह बंद हो गया। दोनों थे अनपढ़, मगर दोनों की बातें देखें, ताल्लुक चूंकि कुरान पाक से था, कुरान से मोहब्बत थी, दोनों ने ऐसा किया।
जब उसने कहा अली अजीम जात है, तो उसने कहा फिर सिद्दीक अकबर कौन सा छोटा है, वो भी तो नबी जात है। हालांकि दोनों की बातें क्या थी, कुरान के खिलाफ थी, मगर अपने इल्म के मुताबिक उन्होंने बातें सही की। इसलिए अल्लाह ने अपने दावा साबित फरमाया है आठ दलाइल के जरिए। ये आठ दलाइल आए आयतुल कुर्सी के अंदर। ये वो अजीम शान आयतुल कुर्सी है। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तगफार की कसरत किया करो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने एक मौके पे अल्लाह ताला से दरख्वास्त फरमाई, या रब्बे अल्लिमनी शैयन अज़कुरुका व अदउका बिही, को मुझे ऐसी चीज या अल्लाह सिखाओ, को वजीफा, कोई आयत, कोई नुस्खा, कोई ऐसा मुझे को बताओ या अल्लाह जिक्र वर्द, कि मैं वो पढ़ता रहूं, उसके जरिए तेरी याद मेरे दिल के अंदर बाकी रह जाए। एक और हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे आला और अरफा जिक्र वो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह वाला होता है। क्योंकि ये आयतुल कुर्सी का जुमला है ना पहला, और कलमा इस्लाम की तर्जमानी भी आयतुल कुर्सी कर रही है, उसके अल्फाज कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे मूसा कलीमुल्लाह, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द किया कर, यही पढ़ा कर। नसाई शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया या अल्लाह ये तो सारे पढ़ते हैं, ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह ये तो हर कोई पढ़ता है जो मुसलमान है, जिसकी मोहब्बत अल्लाह तेरे साथ है वो तो हर बंदा पढ़ता है ला इलाहा। मैं तो तेरा कलीमुल्लाह पैगंबर हूं, मुझे कोई खास वजीफा बतला। अल्लाह ने फरमाया मेरे मूसा कलीमुल्लाह पैगंबर है तो तू मेरा कलीमुल्लाह पैगंबर, मगर तेरे इल्म में नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मकाम कितनी ज्यादा है। फिर अल्लाह ने उसी वक्त फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने खुद हदीस बयान फरमाई, हवाला नसाई शरीफ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह को फरमाया कि सातों आसमान और सात जमीनें इनको जमा कर लिया जाए, एक पलड़े के अंदर रख दिया जाए अल्लाह की कुदरत के मुताबिक, और एक पलड़े में ये सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का लिखा हुआ कागज रख दिया जाए, तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह का इतना वजन है कि सात आसमाने और सात जमीनों वाला पलड़ा तो ऊपर उठ जाएगा, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा वजन की वजह से नीचे झुक जाएगा। जब अल्लाह ने इसकी फजीलत बयान फरमाई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अल्लाह अब मुझे इल्म हो गया कि वाकई जब तूने हर लिहाज से तू अल्लाह सच्चा है, मन अस्तको मिनल्लाह हदीसा, अल्लाह तेरे से सच्चा और कौन हो सकता है, तूने फरमा दिया मेरा ईमान आ गया है, आज के बाद मैं यही विर्द करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते थे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दुआ।